एवरीवन, आज हम मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाने के लिए हम ग्लू गन के साथ हम मोल्ड बनाएंगे। ये होता है सिलिकॉन मोल्ड। इस तरह के मोल्ड भी मैं बनाती हूँ। अभी हम जो मोल्ड बनाने वाले हैं वो मैंने ये एक पिन लिया है, मैं इसका मोल्ड बनाकर दिखाऊंगी। ये फ्लोवर देखे सनफ्लोवर है, इसका मोल्ड हम बनाएंगे। तो मैंने इसके नीचे इसको सेट करने के लिए पेपर मैशी क्ले लगाई है। तो मुझे थोड़ा सरफेस ज्यादा चाहिए क्योंकि साइड में भी जगह होनी चाहिए। तो मैं इस मोल्ड के ऊपर ही, मेरा मोल्ड भी ये थोड़ा ठीक है, तो या तो आपके पास इस तरह की इतनी छोटी कोई चीज हो कि आप उसके ऊपर इसको सेट कर सके, अगर नहीं है तो जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ, आपके कुछ ऐसा हो, छोटी कटोरी या कुछ भी हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने पेपर मैशी ले ली, उसके ऊपर इस पिन को रख दिया। अब मैं एक, ये देखिए, अब कुछ पॉलिथीन वगैरह टाइट होनी चाहिए, सिर्फ वो लेनी है और उसको राउंड कर देंगे ताकि जब आप इसके ऊपर डालो मटेरियल तो वो बाहर निकले नहीं। इसको एकदम टाइट से लगाएंगे। ये देखिए, मैं इधर टेप लगा दी है, तो अब इसमें कहीं भी स्पेस नहीं है कि कहीं से निकल सके। ये लगाएंगे इसके ऊपर, कोई भी आपके पास ऑयल हो, ब्रश के साथ ऑयल लगा देंगे। अगर कोई ऑयल नहीं है तो आप ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरे के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो वहीं से ही हमारा मोल्ड अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि वो एक जगह पे भर जाएगा। ऑयल लगाने के बाद अब हमारी ये गन अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर स्टिक लगानी होती है, पीछे की तरफ से लगती है, इसको इसके अंदर लगाएंगे और गर्म होने के बाद इसके ऊपर हम डालते जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से हिला देंगे। अगर कहीं गैप होगा या बबल बन गया होगा तो वो हट जाएगा। ये देखिए, अब ये हल्का सा धुंधला हो गया है और अब मैं इसके साइड में भी हाथ लगा रही हूं तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है, ऊपर से भी हाथ के ऊपर नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब है कि हमारा मोल्ड तैयार हो चुका है। जब तक ये हल्का सा भी गर्म हो आप इसको मोल्ड में से नहीं निकाल सकते। अब हम इसकी टेप निकाल के इसको निकालते हैं। आराम से इसकी टेप निकाल देंगे सारी। ये निकल गई। ये देखिए, ये क्ले है। ये आराम से आपके निकल जाएगी। ये निकल गई और अब हम ये इसके अंदर से आराम से निकालेंगे इसको एकदम। ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा पूरा डिजाइन किस तरह से निकल कर आया है। अब हम इसके अंदर क्ले भर के इसको बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले मोल्ड के अंदर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से होगा आपकी क्ले इसके अंदर चिपकेगी नहीं। ये ऑयल लगा लिया। पहले मैं आपको पेपर मैशी क्ले दिखा देती हूँ। ये मेरी पेपर मैशी क्ले है, ये मेरे चैनल पर पहले भी है, मैंने बनाई हुई है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसने ना देखी हो वो चेक कर लीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से आप क्ले को कट करोगे ना, देखिए एक तरफ इस तरह से निकल कर आएगी। इसमें कोई धागा वागा कहीं कुछ नहीं लगेगा। अगर आप कहीं से भी कट करते हैं वहीं से ही इस तरह से आएगी। ये देखो, तो इसका मतलब होता है कि आपकी क्ले बहुत अच्छी बनी है। कभी भी क्ले आपको चेक करनी हो तो इसी तरह से चेक किया कीजिए। तो ये क्ले का मैंने गोला बनाया।
और मैं ये इसके अंदर डाल रही हूं। अब इसको क्ले को निकालते हैं। इस तरह से कीजिए, ये आराम से निकल आएगा। देखिए, आपको क्ले को नहीं खींचना है, सिर्फ इसको प्रेस करना है। ये देखिए, बन गया ना अच्छा मोल्ड। इस तरह से आप आराम से बना के कुछ भी इसका बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।